पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज में आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एक इस प्रकार की नॉर्मल इमेज को स्केच में बदल सकते हैं। जी हाँ, आप डायरेक्टली पाइथन के कुछ लाइंस ऑफ कोड, हम बोल सकते हैं हार्डली 7 to 8 लाइंस ऑफ कोड लिख के आप इजिली किसी भी इमेज को एज अ स्केच चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई इमेज है जिसकी आप एक स्केच क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर दैट हमें यहाँ पर यूज करना होगा पाइथन के एक मॉड्यूल को, या फिर हम बोल सकते हैं पाइथन की एक लाइब्रेरी को, जो कि है OpenCV। और OpenCV को आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर PyCharm ओपन है, और PyCharm में भी मुझे सबसे पहले OpenCV को इंस्टॉल करना जरूरी होगा। और OpenCV को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा टर्मिनल में, और टर्मिनल में आने के बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखना होगा जो कि है pip install OpenCV। बट इसका अगर आप एग्जैक्ट कोड चाहते हैं तो आपको सिंपली जाना है गूगल में, और आप यहाँ पर लिख लें OpenCV फॉर पाइथन, को पहला लिंक मिल जाएगा, दैट इज pypi.org। और इस वेबसाइट में हम विजिट कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं OpenCV, इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको ये कमांड लिखना होगा जो कि है pip install OpenCV-python। हम सिंपली इसे कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद अब हम जाएंगे हमारे PyCharm में, और यहाँ पर आपको सिंपली इस कोड को पेस्ट करना होगा। और पेस्ट करते ही जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो OpenCV आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। और इस OpenCV को इंस्टॉल करने का एक और तरीका है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट। सिंपली आप ओपन कर लें अपना कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर भी आप अगेन सेम कमांड यूज़ कर सकते हैं pip install OpenCV-python। और एंटर करते ही आप देखेंगे आपके सिस्टम में OpenCV इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरे सिस्टम में यह ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसे कर लेंगे क्लोज, और OpenCV हो चुका है अब इंस्टॉल। तो फाइनली अब हम हमारे कोडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले कर लेंगे डिलीट, और जितने भी इमेज रिलेटेड टास्क होते हैं वो सब के सब होते हैं पाइथन में विद द हेल्प ऑफ OpenCV। एंड फॉर दैट हम उसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो फॉर इंपोर्टिंग हम यूज करेंगे import CV2। और इंपोर्ट करने के बाद भी अगर आपको इस प्रकार की एक रेड लाइन दिखे, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नो मॉड्यूल नेम CV2 इंस्टॉल पैकेज CV2, अगेन आप एक बार इस पर क्लिक कर लें, तो अगर कोई मिसिंग फाइल्स होंगी तो ऑटोमेटिकली उन्हें भी इंस्टॉल कर लिया जाएगा। तो आफ्टर इंपोर्टिंग CV2 हमें सबसे पहले हमारी इमेज को रीड करना होगा। मेरे केस में हम देख सकते हैं मेरी जो इमेज है वो रखा है मैंने डी ड्राइव में, और जिसका नाम है yash y3 strange, यानी कि मेरे पास कुछ मल्टीपल इमेजेस हैं और मैं इन सभी का स्केच क्रिएट करूंगा। सबसे पहले इस इमेज को ओपन करके देख लेंगे जो कि है यश। अब इस इमेज का स्केच क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट में, और सबसे पहले आपको उस इमेज को रीड करना होगा। और रीड करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे, फॉर दैट मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा एक नाम जो कि है img CV2.imRead, यानी कि CV2 मॉड्यूल जो है उसका हम फंक्शन यूज करने वाले हैं जो कि है imRead, जो आपकी फाइल को रीड करेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देना होगा फाइल का नाम, आपकी फाइल का नाम, या फिर हम बोल सकते हैं हमारी फाइल का एड्रेस। मेरी फाइल मैंने रखी हुई है डी ड्राइव में, और उसके बाद आपको यूज करना है /, और उसके बाद फाइल का नाम। फाइल के नाम के बाद आपको एक्सटेंशन देना जरूरी है, और एक्सटेंशन जानने के लिए आप सिंपली चले जाएं डी ड्राइव में, और इमेज के ऊपर अगर आप माउस को रखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आइटम टाइप इज JPG फाइल। तो हम डायरेक्टली यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये है मेरी JPG फाइल। और इतनी कोडिंग करने के बाद अब हम चाहें तो हमारी इमेज को देख सकते हैं, और इमेज को देखने के लिए आपको यूज करना होगा CV2.imShow। इस प्रकार से imRead आपकी इमेज रीड करता है, उसी प्रकार से imShow आपको इमेज शो करेगा। ये दो पैरामीटर्स लेता है हमसे, फर्स्ट इज विन नेम, यानी कि विंडो का नाम, यानी वो स्क्रीन जो ओपन होगी। मैं यहाँ पर इसको नाम देना चाहता हूँ ओरिजिनल इमेज, कॉमा के बाद आपको देना होगा मैट, या फिर एग्जैक्टली कौन सी इमेज को आपको डिस्प्ले करना है। मुझे डिस्प्ले करना है img। और इतना कोड लिखने के बाद एक बार हम इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे, और एग्जीक्यूट होते ही आप देखेंगे इमेज डिस्प्ले भी हुई और चली भी गई विद इन अ सेकेंड। उसे रोकने के लिए आपको यूज करना होगा CV2.WaitKey0, यानी जो इमेज डिस्प्ले हो उसे रोका जाए। अगेन इसे एक बार एग्जीक्यूट करेंगे, एंड सी आउटपुट हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने हेडिंग दी थी ओरिजिनल इमेज वो हमें यहाँ पर देखने मिलेगी, और हमारी जो भी इमेज होगी वो कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होगी। हमारा कोड जो है अब वो सही काम कर रहा है, यानी कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, एक इमेज को स्केच में कन्वर्ट करने के लिए टोटल हम 5 स्टेप्स अप्लाई करेंगे, इसमें 1 by 1 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हम इमेज में से कलर निकालेंगे, यानी कि हम उसे कन्वर्ट करेंगे ग्रे कलर में कुछ इस प्रकार से, और फिर उस ग्रे कलर को हम चेंज करेंगे इन्वर्ट में कुछ इस प्रकार से। देन इन्वर्ट को हमें ब्लर करना होगा, और 4th स्टेप होगा इन्वर्टेड ब्लर, एंड फाइनली लास्ट स्टेप होगा एक स्केच क्रिएट करना। तो ओवरऑल अगर आप इन 5 स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं तब जाके आपको एक स्केच मिलता है। सबसे पहले हम एक ग्रे इमेज क्रिएट करेंगे। ग्रे इमेज के लिए मैं यहाँ पर वेरिएबल यूज कर लूंगा
GR आप जो नाम चाहें दे सकते हैं, cv2.cvt color, ब्रैकेट में आपको ये बताना होगा कौन सी इमेज को आपको ग्रे करना है। अगेन मुझे img को ग्रे करना है और उसके और उसे ग्रे करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर cv2.color bgr2gray। ये कोड आपको यहाँ पर फॉलो करना होगा। और अगर आप इसके बाद एक इमेज शो करना चाहते हैं, फॉर द टाइमिंग हम इसी कोड को यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर अब img की जगह शो करूँगा gr को, तो सिंपली हमने img को रिप्लेस किया gr। और अब अगर इसका आउटपुट देखते हैं तो आप आउटपुट देख सकते हैं ये इमेज ग्रे हो चुकी है। इसी प्रकार से अब हमारा सेकंड कन्वर्जन होगा, जो कि होगा इमेज को इन्वर्ट करना। एंड फॉर दैट मैं यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ कर लूँगा invert=cv2.bitwise_not। बिटवाइज नॉट में हमें करना है ग्रे इमेज को इन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर ग्रे को रिमूव करके अगर मैं देखना चाहूँ इन्वर्ट इमेज कैसे दिखेगी, तो हम इसे चेंज करेंगे एंड एग्जीक्यूट। तो इन्वर्टेड इमेज कुछ इस प्रकार से दिखेगी, जैसे कि ये कोई एक्सरे हो। नेक्स्ट स्टेप इज ब्लर। अब हमें इन्वर्ट इमेज को ब्लर करना होगा, तो मैं यहाँ पर अगेन एक वेरिएबल यूज कर लूंगा blur=cv2.gaussianblur। गॉशियन ब्लर के अंदर आपको बताना होगा किस इमेज को आपको ब्लर करना है। मुझे इन्वर्ट वाली इमेज को ब्लर करना है। और इसके साथ कुछ पैरामीटर्स जो कि हम यूज करेंगे 21, 21 एंड 0। इतने पैरामीटर्स आपको देने होंगे। और अब अगर मैं यहाँ पर इन्वर्ट की जगह लिखूँ ब्लर, यानी मुझे अब ब्लर इमेज देखनी है, तो अब हम आउटपुट देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको आउटपुट देखने मिलेगा। फोर्थ स्टेप होगा इस ब्लर इमेज को इन्वर्ट करना। अगेन हम यूज करेंगे यहाँ पर इन्वर्टेड ब्लर, आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, cv2.invert करने के लिए अगेन हम यूज करेंगे बिटवाइज नॉट का। और अब मुझे इन्वर्ट करना है ब्लर इमेज को। और अब अगर इसका आउटपुट देख लें हम यहाँ पर दैट इज इन्वर्टेड ब्लर को, तो आप आउटपुट देख सकते हैं इन्वर्टेड ब्लर कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये हमारे चार स्टेप्स हो चुके हैं, ग्रे, इन्वर्ट, ब्लर और इन्वर्टेड ब्लर। लास्ट स्टेप होगा जो कि होगा स्केच के लिए। स्केच के लिए आप जो भी वेरिएबल देना चाहें, मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा sketch=cv2.divide। हमें सिंपली जो मल्टीपल इमेजेस हमने क्रिएट की हैं उन सभी को डिवाइड करना होगा एक रेशियो में। और सबसे पहले हम यहाँ पर कौन कौन सी इमेज को डिवाइड करना चाहते हैं, तो डिवाइड होगा ग्रे, और ग्रे के साथ साथ हमें डिवाइड करना होगा इन्वर्टेड ब्लर। जी हाँ, हमें सिर्फ इन दोनों इमेजेस का ही काम है जो कंबाइन होकर एक स्केच बनाएंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स देने होंगे कि आखिर कौन से पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमें इन दोनों इमेजेस को डिवाइड करना है। फॉर दैट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर scale=256.0। और अब अगर मैं यहाँ पर इन्वर्टेड ब्लर को रिमूव करूँ और अब हम आउटपुट देख लेते हैं स्केच का, आउटपुट देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको आउटपुट देखने मिल जाएगा। तो ये हमारा एक स्केच रेडी हो चुका है। साथ साथ अगर आप दोनों इमेजेस को एक साथ ही देखना चाहते हैं, अगेन हम एक कोडिंग यहाँ पर ऐड कर लेंगे जो कि है cv2.imshow। यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ ओरिजिनल इमेज जो कि अभी भी है img के अंदर, और ये है मेरी स्केच की इमेज। तो अगेन इसका नाम चेंज कर लेंगे जो कि है स्केच इमेज। अब हमने यहाँ पर दो बार imshow यूज़ किया और इसका आउटपुट देख लेते हैं। इस प्रकार से देखने मिलेगा, आपके सामने दो विंडोज ओपन होंगी, ये है हमारी ओरिजिनल इमेज और ये है हमारी स्केच इमेज। तो जिस प्रकार से आप किसी भी इमेज को इजीली एक स्केच के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जहाँ तक हमने सिर्फ एक स्केच क्रिएट की है, अभी तक ये स्केच कहीं पर भी सेव नहीं हुई। अगर आप एक स्केच को सेव करना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे cv2.imwrite। राइट फंक्शन का काम होगा उस इमेज को सेव करके रखना। अब हम इमेज को सेव करके रखना चाहते हैं डी ड्राइव में विद द नेम sketch.jpg। ये मेरी इमेज का नाम होगा। और कौन सी इमेज को आप सेव करना चाहते हैं, मैं स्केच को सेव करना चाहता हूँ, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर डी ड्राइव में कोई फाइल नहीं है जिसका नाम स्केच हो। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास दोनों इमेजेस आ चुकी हैं। और अब अगर मैं जाता हूँ डी ड्राइव में, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये स्केच की इमेज आ चुकी है। इसे अगर ओपन कर लें तो जिस प्रकार से आप देखेंगे स्केच की इमेज आपके सामने क्लियर है। और ऐसे ही मेरे पास डी ड्राइव में कुछ और इमेजेस हैं जो कि हैं स्ट्रेंज, Y3 एंड Yash2। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्ट्रेंज का स्केच यूज कर लेंगे, डॉक्टर स्ट्रेंज का। अगेन मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा, फाइल का नाम चेंज करना है strange.jpg एंड एंटर। अब देखेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज का यहाँ पर एक स्केच क्रिएट हो चुका है और साथ साथ इसकी कॉपी भी बन चुकी होगी हमारे डी ड्राइव में। तो इस प्रकार से आप इजीली सिंपल 5 lines ऑफ कोड लिख के किसी भी एक इमेज को, कलरफुल इमेज को स्केच में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये कोडिंग चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, आप सिंपली उस पर क्लिक करके पूरी की पूरी कोडिंग को कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू।